हाँ जी हाँ जी, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आता हूँ अभी आता हूँ। सो गाइस, फिलहाल फ्लिपकार्ट वाले भैया हमारे आ गए हैं डिलीवरी करने के लिए। जस्ट उनका भी कॉल आया था, बस अभी कॉल कटा है उनका, तो चलते हैं फ़ोन लेने के लिए क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। सो गाइस, ये रहा फ़ोन और फिलहाल ये डिलीवरी हो गई हमारे यहाँ गाँव में। सामने एकदम मौसम देखो यार, एकदम पूरा तूफान वाला हो गया और इस टाइम हवा इतनी कस की चल रही है कि पेड़ों की देख रहे हो हालत कैसी हो रही है। बादल देख रहे हो मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, आप जस्टिफाई कर रहे हो कि कितना तगड़ा तूफान आने वाला है यहाँ पे। 5 minutes later एक सुकून सा मिलता है इस बारिश में, कुछ पलों के लिए सारे गम भुला देता है। क्या खाना है? हम क्या आम तो खाती हुई हो है? तो भाई देखो, गांव में रहने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे हमको कहीं जाना नहीं पड़ता। और यहाँ पे देखो भाई, अभी भाई आम तोड़ के लेके आया। सो गाइस, आज फिर से स्वागत करते हैं मेरे चैनल पे। मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हो देसी छोरा दिल्ली का। और गाइस, अगर बात करें तो काफ़ी टाइम के बाद हम लोग फिर से आए हैं एक और व्लॉग लेके। फिलहाल अभी मैं हूँ यूपी में। जिस तरह से दिल्ली की सिचुएशन चल रही थी कोविड की, तो मैंने सोचा दिल्ली जाना अभी ठीक नहीं है, यूपी रहना ही ज़्यादा बढ़िया है। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो आज तुम्हारे भाई ने स्पेशली एक नया फ़ोन ऑर्डर किया है। पहली बार मेरे यहाँ पे डिलीवरी हो रही है फ्लिपकार्ट की ओर से। तो गांव में मैंने सुना नहीं था कि ऑनलाइन वाले डिलीवरी करने भी आते हैं, ऐसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है। तो फिलहाल फ्लिपकार्ट वाले आज आ रहे हैं, तो देखते हैं कि कैसा फोन है। Many unbearable hours later. हाँ जी हाँ जी, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आता हूँ अभी आता। सो गाइस, फिलहाल फ्लिपकार्ट वाले भैया हमारे आ गए हैं डिलीवरी करने के लिए। जस्ट उनका भी कॉल आया था, बस अभी कॉल कटा है उनका, तो चलते हैं फ़ोन लेने के लिए क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि चलो भाई एक नया फ़ोन तो आ गया मेरे पास। क्योंकि ये जो मेरा फ़ोन है वीवो V9, बहुत लोगों को नहीं पता होगा मेरे पास वीवो V9 है। तो भाई इसमें क्या इसका टच में ना दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, चलते हैं, सामने मेन रोड है। सो फिलहाल गाइस, देखो हमारा यहाँ पे फ्लिपकार्ट की ओर से पहले सबसे पहले बॉक्स ओपन करते हैं, इसके अंदर हमारा फ़ोन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फाड़ लेते हैं अच्छे से इसकी पैकिंग को, और फिर हम लोग निकालते हैं। अब निकलता है यहाँ से हमारा पोको का M3 का बॉक्स, और देखने में लुकिंग काफ़ी प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और इसका पीछे का दिखाऊं मैं आपको तो पूरा सील है, बट इसको एक बार खुलवा लेते हैं। और स्पेशली ऑनलाइन से जो भी प्रोडक्ट आता है फ़ोन का, तो मैं बोलूँगा आप भी एक बार उनके सामने, डिलीवरी बॉय के सामने एक बार ओपन करवाइए। बहुत बार ऐसा होता है कि बॉक्स के अंदर फ़ोन नहीं होता है, ऐसा मैंने केसेस में देखा है, हमारे साथ तो हुआ नहीं है। तो यहाँ पर डिलीवरी भैया भी हैं, एक दो मेरे भाई भी हैं जो अनबॉक्स कर रहे हैं फ़ोन को, स्पेशली सेफ्टी के लिए, क्योंकि पैसे लगाते हैं तो पैसे ऐसे आपके फंसते नहीं हैं और तसल्ली हो जाती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अनबॉक्स करवा लें भैया के सामने। और ये रहा फ़ोन, तो मतलब काफ़ी अच्छी पैकिंग कर रखी है, तो इसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे अनबॉक्स कराया है फ़ोन। और एक बार मैं अपने हाथ में लेके देखता हूँ क्या लुक रहता है फ़ोन का। तो गाइस देख सकते हैं, प्रीमियर लुक है यार। One hour later. यहाँ पे सामने एकदम मौसम देखो यार, एकदम पूरा तूफान वाला हो गया और इस टाइम हवा इतनी कस की चल रही है कि पेड़ों की देख रहे हो हालत कैसी हो रही है। पर यहाँ पे बादल देख रहे हो मैं ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, आप जस्टिफाई कर रहे हो कि कितना तगड़ा तूफान आने वाला है यहाँ पे।
पानी, थोड़ी बहुत बारिश हुई है अभी, अभी देखते कब तक हुई। पानी देखो यार, दोनों साइड पानी लग गया है। भाई कैमरा जो पकड़ना यार, अरे यार ये भी होना जरूरी था यार। हमारा दिल्ली चोरा दिल्ली का गिर गया। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मौसम एकदम बिगड़ गया, और ये पीछे मेरा छोटा भाई है अखिल नाम है इसका, और ये कह रहे भैया यहाँ पे तो आम गिरे होंगे, बगीचे हैं ना आम के ये सारे के सारे। तो भाई देखो यहाँ कीचड़ कीचड़ हो गया है, तो आम ना लेने कोई फायदा नहीं है, बाद में ले लेना, मैं दिलवा दूंगा ठीक है। बाकी छाते में तो अच्छा लग रहा है। तो गाइस अब बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इतने लॉन्ग टाइम के बाद एक कोई मेरा व्लॉग आने वाला है अपने चैनल पे, बोला था देसी छोरा दिल्ली का। सो गाइस क्या करें, कैमरा ख़राब हो गया था, इस टाइम भी हम लोग गोप्रो शूट कर रहे हैं बारिश में। यहाँ पे देखो खेतों में पानी लग गया है, पानी लगना चालू हो गया है, और उसका फ़ायदा भी है क्योंकि पानी जो सबको होती है, पानी ही जीवन है और पानी ही रक्षक है। तो भाई आज मैं बहुत ही सच में इंजॉय कर रहा हूँ ये वाला मोमेंट। बाकी भाई जो जो बारिश में गीले हो रहे हैं बंदे बेचारे, वो भाग रहे हैं गाड़ी। तो अब देखो यहाँ पे मौसम पूरा पूरा खुल गया है, और मैं अभी इस टाइम अपने घर की छत पे आ गया हूँ, क्योंकि आपने कुछ पहले क्लिप में देखा कि भाई मैं वहाँ गिर गया था, हल्की फुल्की चोट लग गई थी, कपड़े गंदे हो गए थे। तो मैं सोचा क्यों ना घर पे आते हैं, फिर व्लॉग को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और उस तरह से आपको बताते हैं कि भाई बारिश में नहीं निकलना चाहिए। और मेरा मन नहीं था, घर वाले मना करते बेटा बारिश मत निकलो, पर क्या करें, हम लोग थोड़ी ज़िद्दी हैं, थोड़ी बहुत बचकाने हैं, थोड़ा वो बचपना है अभी भी अपने के अंदर, पर यार सबके अंदर बच्चा होता है, और शायद वो बच्चा निकलना चाहता है कभी ना कभी, वो शायद आज वो बच्चा मेरे अंदर से निकला। इन्जॉय किया, अच्छा किया, कुछ आपको अपने यहाँ की गांव की हरियाली दिखा पाऊँ। सो भाई बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, आप देख रहे हो बादल है, हल्की फुल्की एकदम बारिश हो रही है, मौसम पूरा खुल गया, बट मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कि रात तक बारिश होगी, क्योंकि मेरे कपड़े भी गंदे हो गए थे, और थोड़ी बहुत हाथ में देख रहे हो ये चोट भी लग गई थी, और यहाँ पे कोहनी में भी लगी है, बट कोई बात नहीं यार, होता है, लगता रहता है। सो गाइस वीडियो एंड करने टाइम आ चुका है, मैं अभिषेक और आप देख रहे हो देसी छोरा दिल्ली का यूट्यूब चैनल। तब तक ले साइन ऑफ, अपना देसी तरीका, बूम राम राम, अपना ध्यान रखिए, और जल्दी हमारी वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं अपने चैनल पर।